जो फ्लोर टेस्ट आप लोगों ने पास कर लिया है, बहुमत साबित कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोग बता रहे थे कुछ दिनों से कि खेल होना है बिहार में, तो उनकी इच्छा को पूर्ण किया गया, खेल हो गया जी। अच्छा, कल से ही कहा जा रहा था, कई तरह की बातें सामने आ रही थी, कॉन्फिडेंस थे काफी आरजेडी वाले। देखिए, कुछ लोग जो है कॉन्फिडेंस में रहने वाले, ओवर कॉन्फिडेंस में रहने वाले लोग होते हैं, और कुछ लोग जमीन पे करके दिखाने वाले लोग होते हैं। तो आज फ्लोर टेस्ट जो हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि वॉकआउट करना पड़ा, ओपोजिशन को वॉकआउट करना पड़ा। लोग, पूरा मीडिया चैनल दिखा रहा था कि भाजपा की कुल संख्या बनती है 128, पर हमारा आया उससे अधिक। तो ये सारी बातें जो है जनता समझ रही है पूरी तरह से, कि इनका एक प्रयास था कि जो मैंडेट भाजपा और जदयू को एक साथ विधानसभा 2020 में बिहार की जनता ने दिया था, उस मैंडेट को हरने का, लोकतंत्र की हत्या करने का एक बड़ा प्रयास, एक चक्रव्यूह इन लोगों ने रचा तोड़फोड़ करने का, उसमें असफल हुए, तो अब अंगूर खट्टे हैं। जी, तेजस्वी यादव ने सदन में एक और बातें कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कि मोदी की गारंटी वाले क्या ये बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार इस बार नहीं पलटेंगे? देखिए, मोदी जी क्या चीज़ की गारंटी देंगे ये तो पूरा देश जानता है। तेजस्वी जी को इस चीज़ की गारंटी देनी चाहिए कि उनका परिवार आगे चलकर घूसखोरी और भ्रष्टाचार नहीं करेगा, गरीब से नौकरी के लिए जमीन नहीं मांगेगा, पशुओं का चारा नहीं खाएगा, इन सब बातों की गारंटी परिवार को देनी चाहिए। आप लोगों को केकई भी बताया गया, आज ऐसे में ही राजद के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा दावा किया जा रहा था, कहा यह जा रहा था कि काफी सारे एनडीए के विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन उल्टा हो गया। मैंने वही कहा ना कि कुछ लोगों की बात है, तरीका है बड़बोला होने का, वो समय से पहले और जरूरत से ज्यादा जो है मीडिया के एंटरटेनमेंट के लिए मसाला देने का काम करते हैं, और कुछ लोग ठोस काम करने में विश्वास करते हैं, और भाजपा का काम एनडीए की एकजुटता आज फ्लोर पे पूरे बिहार को दिखाई दी है। विकास की ओर अग्रसर होगा बिहार। जो विधायक लेट हुए हैं, जो नहीं आए, उन पर कार्रवाई होगी, तो किस तरीके की कार्रवाई की बात है? ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी ज़्यादा बताएंगे, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, हर एक कार्यकर्ता यहाँ अनुशासन में चलता ही है, और मुझे लगता है कि वो हमारी कार्य पद्धति है और उसका पालन होना ही चाहिए। विकास की ओर अग्रसर रहेगा बिहार। मोदी जी का एक ही एजेंडा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश की तरक्की, देश का विकास, हर सूबे का विकास, जिसमें बिहार बहुत ही अहमियत रखता है। तेजस्वी यादव द्वारा आप लोगों को केकई भी बताया गया। देखिए, तेजस्वी यादव किसको केकई बोल रहे थे और क्या बताना चाह रहे थे तो समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन मुझे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि तेजस्वी यादव जी किसी एंगल से राम तो नहीं है। तो देखिए, ऋतुराज सिन्हा हमारे साथ थे, उनसे बातचीत हो रही थी, और क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। जिस तरीके से एनडीए अब फ्लोर टेस्ट में पास कर गई है बिहार विधानसभा में, ऐसे में भाजपा में खुशी पूरी तरीके से देखी जा रही है। तमाम बीजेपी के जितने भी नेता हैं उनके यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।